दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फूल देखा है जो बिल्कुल एक पत्थर की तरह दिखता है? और क्या आपने कभी ऐसा फूल देखा है जो एक चप्पल की तरह होता है? और क्या आपने कभी इस फूल को देखा है जो अदरक का होता है? क्यों, सुनकर चौंक गए ना? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अनोखे फूल दिखाने वाला हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्लेम लिली। दोस्तों, ये लिली एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाई जाती है और वर्तमान समय में इसकी खेती ऑस्ट्रेलिया में भी की जाती है। अगर बात करें इस फूल की, तो ये फूल काफी खूबसूरत होता है क्योंकि इसमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल होता है जो देखने में काफी शानदार लगता है। और अगर बात करें इसकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इसकी लगभग 12 अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है जिसका रंग रूप भी अलग अलग होता है। ये फूल बरसात के मौसम में खिलकर गर्मी के मौसम तक बने रहते हैं, यानी इसकी समय अवधि बहुत ही लंबी होती है। और अगर इस फूल को सूरज की रोशनी मिल जाए तो ये तेज रफ्तार से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इसके पौधे की लंबाई 10 फीट तक भी हो जाती है। इस फूल की कुछ प्रजातियां हैं जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। वैसे आपको ये शानदार फूल कैसा लगा, कॉमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, स्टुअर्ट्स डेजर्ट पी। दोस्तों, ये फूल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर बात करें इस फूल की, तो ये देखने में काफी अद्भुत लगता है जो कि मटर और सेम की प्रजाति से मिलता जुलता है। अगर वनस्पति वैज्ञानिकों की माने तो ये फूल एक अलग प्रकार का पौधा होता है जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही अनोखा होता है। अगर बात करें इसके रूप की, तो ये फूल दिखने में लाल होता है जिसके बीचों बीच एक काले रंग का बड़ा बीज होता है, और जो इसे पहली बार देखता है वो इसके काले बल्ब को देखकर इसे बीज समझता है, लेकिन असल में ये बीज नहीं बल्कि इसका फल होता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण इलाकों में इसे पुष्प का प्रतीक माना जाता है। वैसे आपको ये अनोखा फूल कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 8, स्नेक्स हेड फ्रिटिलरी। दोस्तों, ये फूल यूरोप और एशिया का मूल निवासी है। आपको बता दूं कि इसे स्नेक हेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी पंखुड़ियां होती है वो बिल्कुल किसी सांप के फन जैसी दिखाई देती है। अगर बात करें इसके आकार की, तो इसका सिर बिल्कुल किसी घंटी के समान दिखाई देता है। और अगर बात करें इसके रंगों की, तो इस फूल का रंग बैगनी होता है जिसमें सफेद रंग के दाने मौजूद होते हैं जो देखने में काफी शानदार दिखाई देते हैं। आपको बता दूं कि इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो जहरीली होती है। अगर आपने उसे खा लिया तो आपको उसका एहसास बिल्कुल एक सांप के काटने की तरह होगा। ये फूल 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं और ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। नंबर 7, मेपॉप पैशन फ्लावर। दोस्तों, ये फूल ज्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। अगर बात करें इस फूल की, तो इसके रूप का बखान शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है, जिसे आपको देखकर ही समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितने शानदार तरीके से धीरे धीरे खिलते जा रहे हैं। अगर बात करें इसके रंगों की, तो इस फूल का रंग बैगनी और नीला होता है जो बढ़ते समय के साथ बदलता रहता है। और अगर इस फूल में कोई ध्यान देने वाली चीज है, तो वो है इसका केंद्र, जिसकी बनावट बहुत ही खास होती है क्योंकि इस तरह का पैटर्न किसी दूसरे फूल में देखने को नहीं मिलता। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस जंगली फूल का इस्तेमाल प्राचीन काल में औषधि बनाने के लिए भी किया जाता था। नंबर 6, लॉबस्टर क्लॉ। दोस्तों, दुनिया में इस फूलों की लगभग 194 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से ज्यादातर अमेरिका के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। अगर बात करें इसके रंगों की, तो ये प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होते हैं, लेकिन इन फूलों में एक खास चीज होती है जो सभी प्रजातियों में समान होती है, और वो ये है कि इस प्रजाति के फूलों की नोक बहुत ही तेज होती है जो बिल्कुल किसी हमिंग बर्ड के चोंच की तरह होती है। साथ ही इस फूलों के खिलने का पैटर्न बहुत ही अनोखा होता है जो सामान्य फूलों की तुलना में बहुत अलग होता है। इस फूलों के पौधे 10 से 15 फीट लंबे होते हैं और इन लंबे हरे पत्तों के बीच खिला ये फूल काफी शानदार दिखाई देता है, जिसके कारण बहुत से पक्षी इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसके रस का सेवन करते हैं। नंबर 5, स्ट्रेलिट्जिया।
दोस्तों ये फूल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और जिस जगह ये पाया जाता है वहाँ इसे स्वर्ग का फूल कहा जाता है। अगर बात करें इस फूल की तो इसका रंग नारंगी होता है, जिसकी पत्तियाँ काफी लंबी होती है, जिसकी लंबाई 30 इंच तक होती है। इस फूल के डंठल की नोक बहुत ही तीखी होती है, जो बिल्कुल एक पक्षी की चोंच जैसी होती है। और अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस नारंगी पत्तियों के बीच बैगनी रंग का एक पत्ता होता है, जो काफी शानदार लगता है, जो इसे एक सजावटी लुक देता है। और अगर बात करें इसके मौसम की तो ये फूल गर्मियों के मौसम में दक्षिण अफ्रीका की शान बढ़ाता है। नंबर 4, वाइन। दोस्तों ये फूल फिलीपींस में पाया जाता है। अगर बात करें इस फूल की तो ये फूल अपने रंगों के वजह से काफी अनोखे माने जाते हैं, जो कि फिलीपींस के जंगलों में लंबी लंबी बेलों में उगते हैं, जिसकी लंबाई 60 फीट तक भी हो सकती है। साथ ही इस फूल के अंदर बीज भी मौजूद होते हैं और प्रत्येक फूल में लगभग 10 से 12 बीज मौजूद होते हैं। आपको बता दूं कि ये फूल दिखने में एक सजावटी फूल की तरह होते हैं, जिसके कारण फिलीपींस के बहुत से फेमस जगहों में इस सजावटी फूल को उगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फूल की तरफ सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि खूबसूरत कीड़े भी आकर्षित होते हैं, जिसमें बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई आदि शामिल होते हैं। नंबर 3, टॉर्च जिंजर। दोस्तों ये फूल दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके नाम में तो अदरक है, तो इसका अदरक से कोई संबंध तो नहीं? तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज जिसके कारण इसके नाम में अदरक जोड़ा गया है, और वो है इसका भोजन में इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, इस फूल का इस्तेमाल सूप, सॉस, सलाद और अन्य व्यंजनों में किया जाता है। और अगर बात करें इसके रूप की तो ये फूल दिखने में काफी सुंदर होता है, और अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक हद तक मशाल की तरह भी दिखाई देता है। इसके अलावा ये जिस जगह पाया जाता है वहाँ इसे सजावटी फूल भी कहा जाता है। वैसे आपको ये फूल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, लेडी स्लीपर ऑर्किड। दोस्तों ये ऑर्किड दुनिया का सबसे अनोखा ऑर्किड है, जो कि यूरोप का मूल निवासी है। आपको बता दूं कि इसे लेडी स्लीपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एक चप्पल की तरह होता है, और इसीलिए ये पूरे यूरोप में बहुत ही फेमस है। और अगर बात करें इसके रंगों की तो इस ऑर्किड का रंग विभिन्न प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके अलावा इस ऑर्किड को फ्लावर शो में भी पेश किया जाता है, जहां इसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। और अगर किसी ने इसका एक छोटा सा हिस्सा भी काट दिया तो उसे $7,500 का जुर्माना भरना पड़ता है। नंबर 1, लिविंग स्टोन। दोस्तों अभी आप जिस पत्थर को देख रहे हैं वो असल में पत्थर नहीं है, बल्कि एक जीवित पौधा है। भले बाहर से ये एक पत्थर के रूप में दिख रहा है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पत्थर की तरह दिखने वाला ये पौधा एक रसीला पौधा है, जो बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। ये पौधा दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ था, जहाँ के स्थानीय लोग इसे दूसरे नामों से भी पुकारते हैं। जिस तरह ये दिखाई देता है उसे हम छलावरण कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पत्थर की तरह ही दिखाई देता है। अगर आपने इसे कहीं देख लिया तो शायद आप इसे कोई मामूली पत्थर समझकर आगे बढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई पौधा था। इस प्रकृति में ऐसे बहुत से जीव जंतु मौजूद हैं जिनके पास छलावरण की शक्ति मौजूद है। ये पौधे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये वहाँ का मूल निवासी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।